जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, हम अरुण यादव। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर मैराथन 2023 के बारे में। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी की जयंती पर ये पांचवी बार प्रतियोगिताएँ कराई जा रही है बलिया जनपद में, और ये 21 किलोमीटर इसका रनिंग होता है। सबसे पहले प्रतियोगिताएँ कराई गई थी 2017, 18, 19 और 20 में नहीं कराया गया था क्योंकि तालाबंदी हो गया था, और 2022 में हुआ, और 2022 के बाद से फिर अब 2023 में कराया जा रहा है। और इसमें प्राइज 21 लोगों को दिया जाता है। पहला प्राइज होता है 1 लाख रुपया, और उसी के बाद से 50,000 करके इसी तरह बांट दिया जाता है, और टोटल 21 लोगों को प्राइज दिया जाता है। अन्य अन्य देशों से लोग मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रतिभागी आते हैं, जैसे हमेशा केन्या से आते हैं वहाँ से, और यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और एक ऐसे बुज़ुर्ग व्यक्ति आते हैं जो जिनका उम्र 70 वर्ष है, और यहाँ पर हमेशा आकर जो चार बार प्रतियोगिताएँ हुई है और चारों प्रतियोगिताएँ में पार्टिसिपेट किए हैं। आप लोग आएंगे तो उनको भी देख लेंगे। और अब इसका 5 अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप लोग करा सकते हैं। यदि आप लोग बलिया जनपद से हैं तो बलिया वीर लोरिक स्पोर्ट स्टेडियम आकर यहां पर आप करा सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आने के बाद आप लोगों को 1 राउंड लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर लगा कर ही आप लोगों को फिनिशिंग लाइन पार करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही किन भाई भ्रम में पड़ गए थे 2022 में, हम उन लोगों का जैसे मैं 4-5 वीडियो हम बनाए थे पिछली बार 2022 में, उस सभी का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा कैसे पिछली बार हुआ था और प्राइज कितने लोगों का मिला था। और यहाँ पर आने के बाद आप लोग देखिएगा अच्छे से, और 1 राउंड लगाना पड़ेगा, और उसके बाद से यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्थाएँ रहती है खाने पीने की। और बहुत जैसे मैं 5 अप्रैल को यहाँ पर 133 लोग प्रतिभागी यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए थे, तो आप लोग भी यदि नहीं कराए हैं तो करा लीजिए, क्योंकि ये प्रतियोगिताएँ 19 अप्रैल को होने वाली है, और 18 अप्रैल को यहाँ पर पहले ही पूर्व संध्या पर आप लोगों को उपस्थित होना है। और यहाँ से आप लोगों को मॉर्निंग टाइम में ही जैसे 19 तारीख को आप लोगों को पचखोरा ले जाया जाएगा बस से, और वहाँ से आप लोगों को रनिंग कराया जाएगा 21 किलोमीटर का। तो ये हमारा बलिया ज़िला का वीर लोरिक स्पोर्ट स्टेडियम ग्राउंड है, और आप लोगों का आएंगे यहाँ पर रनिंग कर 21 किलोमीटर, तो आप लोगों को इसको पूरा 1 राउंड लगाना पड़ेगा, जो पिछले बार और हमेशा होता रहता है। हमेशा आते हैं पिछले बार या हमेशा तो इस गेट से पिछले वाले गेट से आते थे, लेकिन वहाँ पर सब कचड़े हैं, इसी वजह से आप लोगों को मेन गेट से आना पड़ेगा। और सभी युवाओं को ये निर्देश दिया जा रहा है, तो आप लोग आकर रुकना नहीं है आप लोगों को, और आप लोगों को आकर 1 राउंड यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग आइएगा, जो भी बात होगा यदि कुछ कंफ्यूजन होगा तो मैसेज करिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे, और इसके बारे में विस्तार से आप लोगों को यदि और चाहिए जानकारी है तो हम बताएंगे। और यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर लड़के युवा अपना रनिंग तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह आप लोगों को आकर यहाँ पर 1 राउंड लगाना पड़ेगा। आइएगा, आप लोग रनिंग पूरा करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहीं आप लोगों को फिनिशिंग लाइन है। जो यहाँ पर युवा आ रहे हैं तो इसी तरह आएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को वॉलीबॉल का दिखाई दे रहा है, यहीं पर आप लोगों को आकर रुकना है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को कुछ और पूछना है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसको बताएंगे, रिप्लाई देंगे अच्छे से। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। जय हिंद।